उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कोच में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में 28 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई हैं। बीमार छात्राओं को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र कोच में भर्ती करा दिया गया है। जबकि ये खबर उच्च अधिकारियों को मिली तो उन्होंने आनन फानन में घटना के स्थल का दौरा कर मामले की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 तारीख की शाम आवासीय विद्यालय में छात्राओं के भोजन के लिए आलू गोभी की सब्जी बनाई गई थी, जो शाम को उन्हें परोसी गई थी। सब्जी को खाने के बाद से ही छात्राओं को पेट दर्द, उल्टी दस्त जैसी शिकायत हुई, तो छात्राओं ने इसकी शिकायत अपने वार्डन से की। वार्डन ने जब ये बात विद्यालय स्टाफ को बताई तो समस्त स्टाफ हरकत में आ गया और छात्राओं को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की कयावत शुरू हो गई। इस बारे में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश शाही से जानकारी ली तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे उच्च अधिकारी एसडीएम कोच सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम को छात्राओं के भोजन के लिए आलू गोभी की सब्जी तैयार की गई थी, जिसे खाने के बाद सभी 28 छात्राओं के पेट में दर्द और उल्टी दस्त जैसी परेशानियां शुरू हो गई थी, जिन्हें बाद में विद्यालय स्टाफ द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं, आकर अचानक होने लगा। नहीं, रात में क्या क्या खाना खाया आपने? आलू गोभी सब्जी और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। केला वगैरह, जैसे जानकारी मिल रही है कि केला वगैरह खाया था आज सुबह कल शाम को। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे आप जो खाना खा के सो गई, फिर क्या हुआ? अचानक मतलब रात में जो खाना खाया था उसी की वजह से आपके पेट में दर्द हुआ? ये पता कि शुगर पहले तो हमको कुछ नहीं हुआ, फिर रात पेट दर्द हुआ। क्या नाम है आपका? उसका नाम। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये बच्चे पेट दर्द की शिकायत देके आए थे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय कोच से, तो इनको पेट दर्द की शिकायत थी, किसी किसी को उल्टी की भी शिकायत थी, तो यहाँ अस्पताल में आए नॉर्मली और दवाई भी इंजेक्शन ऐसा ही हुई बच्ची। मतलब विशेष कैजुअलिटी तो नहीं? विशेष कैजुअलिटी कुछ नहीं है, बस अपना इलाज कराने के लिए आए थे। तो अचानक इतनी छात्राओं के पेट में दर्द होना, उल्टी होना, क्या मामला बनता है? अब मामला तो ऐसा है कि बता रहे थे बच्चे के रात में सही थे, सुबह अचानक 5 बजे से पेट दर्द की शिकायत करने लगे और मैडम यहाँ पे लेके आई तो यहाँ पे इलाज हो गया, सही होके चली गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बात ये थी कि ये बच्चियाँ यहीं स्कूल की हैं, कस्तूरबा विद्यालय की हैं, इनके रात में पेट में दर्द हुआ था और फिर इनको वहाँ ले जाई गई थी, गार्डन लेके गई थी और वहाँ इन्हें दवाई दी गई। अब मैंने खुद उनसे पूछा, वो ठीक महसूस कर रहे हैं। तो सर क्या कोई कारण स्पष्ट हुआ है कि जो बताया गया, रात में इनकी गोभी आलू की सब्जी बनी थी और डॉक्टर से मेरी बात हुई तो बोले सब्जी में या खाने में कुछ दिक्कत थी, इसलिए परेशानी। अभी क्या स्थिति है? ठीक है।